नमस्कार, न्यूज 22 को देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, झारखंड के रण का एक फेज तो खत्म हो गया। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ। 683 उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 43 सीटों पर वोटिंग हुई। अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है। लेकिन अब जो है, जो दूसरे चरण की बारी है, जो कि 20 नवंबर को होना है और दूसरा फेज होगा, लास्ट फेज चुनाव है झारखंड के अंदर, उसके बाद जो है 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। और हम बात कर ले बात करें गिरिडीह की, तो गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में इस बार जो है, एक बार फिर से निर्भय शाहबादी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, वो मैदान में है। सुदेव कुमार सोनू जो है जेएमएम के प्रत्याशी, वो मैदान में है। नवीन आनंद चौरसिया जेएलकेएम से प्रत्याशी है, वो मैदान में है। अनीसा सिन्हा जागरूक जनता पार्टी से है, वो भी मैदान में। अब गिरिडीह को थोड़ा हम समझाते हैं आपको, थोड़ा पहले इसके क्रोनोलॉजी को समझिए। गिरिडीह में पिछली बार सुदेव कुमार सोनू जो है वो जेएमएम से प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। 9.6% वो ज्यादा वोटों से वो जीते थे। 49% वोट उनको पड़े थे। 80,871 वोट मिले थे। वहीं निर्भय कुमार शाहबादी जो है 64,987 वोट उनको मिले थे और दूसरे वो स्थान पर थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर रण थोड़ा इस बार जो है 2019 और 2024 की हम बात करें तो थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है तो वो जुड़ चुके हैं गिरिडीह से। बात की जाए उदय, और हम जामताड़ा की भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दीपक भी जुड़ चुके हैं जामताड़ा से। लेकिन सबसे पहले हम उदय का रुख कर लेते हैं। उदय, यहाँ बात की जाए निर्भय शाहबादी की बात करें, सुदीप कुमार सोनू की बात करें, नवीन आनंद चौरसिया की बात करें, अनीसा सिन्हा की बात करें, किस तरह से वहाँ पर 2024 का रण दिख रहा है और 19 और 24 की तुलना की जाए तो देखिए, गिरिडीह के चुनाव में सुदीप सोनू और निर्भय शाहबादी ही मुख्य फैक्टर हुआ करते थे और इससे पहले लगातार इन दोनों के बीच मुकाबला होता रहा है। निर्भय शाहबादी दो बार लगातार विधायक भी रहे हैं, उसके बाद सुदीप कुमार सोनू ने उन्हें मात दी थी और इस बार देखिए त्रिकोणीय संघर्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो अनीसा सिन्हा है वो भी एक चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर रही हैं और ये जो मुकाबला हो रहा है काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज अमित शाह भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी चुनावी सभा को संबोधित किया, काफी भीड़ भी जुटी थी और बीजेपी के समर्थक काफी उत्साहित भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ फिलहाल कोई किसी को कम नहीं आंक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं, जयराम महतो के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया, वो भी चुनाव मैदान में है और उन्हें युवाओं का, खासकर युवाओं का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्भय शाहबादी भी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वहीं जेएमएम का जो समर्थन है, जो जेएमएम के जो वोटर्स हैं, वो सुदीप कुमार सोनू के साथ काफी मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे में गिरिडीह के चुनाव मैदान में अभी किसी के बारे कुछ कहा नहीं जा सकता है, कौन वोट कितना ला रहा है, किस खेमे को नुकसान पहुंचा रहा है और मुख्य मुकाबले में कौन कौन है, ये फिलहाल कयासी लगाया जा सकता है। लेकिन चारों प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। मतलब पहले जो कि हम दो कोणीय मुकाबला देखते थे, फिर त्रिकोणीय, अब तो यहाँ पर चार लोगों की बात करें उदय, तो चार लोग हैं और ऐसे में चारों लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं और ये मुश्किल हो गया है गिरिडीह के लोगों के लिए भी ये तय कर पाना कि वोट किसको दिया जाए। और इस बार जो है, जो कि जेएमएम की बात करें आपसे और थोड़ा बीजेपी की बात कर ले, तो जो जेएमएम पिछली बार 2019 में एक उसने 9% वोट ज्यादा लेकर आई थी और जीत हासिल की थी, तो क्या लग रहा है इस बार जेएमएम जो है क्या उतने परसेंटेज वोट ला पाएगी या फिर इस बार जो है बदलाव कुछ देखने को मिल सकता है या फिर कुछ इस बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? जी देखिए, उतार चढ़ाव की बात की जाए तो यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी जनता को आंदोलित करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ अब्रक उद्योग के लिए गिरिडीह जाना जाता था लेकिन फिलहाल अब्रक उद्योग यहाँ दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये पहली बात है। दूसरी देखिए, गिरिडीह यहाँ से पारसनाथ जुड़ा हुआ है तो एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसकी पहचान है। लेकिन जैसा हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विकास के काम यहाँ बहुत कम हुए हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब्रक उद्योग को भी एक बार फिर से बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और ऐसे कई मुद्दे हैं, खासकर युवाओं के बीच नौकरी रोजगार का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर कोई ये नहीं कह सकता कि इस बार इनके बीच टक्कर है, इसलिए यहाँ जो चार प्रत्याशी हैं, चारों प्रत्याशी पूरा दमखम अपना लगाए हुए हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा और ये जो चार प्रत्याशी हैं इसमें से कौन किसे नुकसान पहुंचाता है।
अच्छा अब हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं देखिए ग्रीडी में मुकाबला बड़ा काटे का बात कर ले हम जामताड़ा की बात कर ले तो हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं जामताड़ा से। दीपक किस तरह का मुकाबला देखने को मिला है? देखिए यहाँ पर बात करें तो स्टार प्रचारकों की जो है अब भीड़ सी लग गई है, लगातार स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जहाँ अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, सभी स्टार प्रचारक अब जो यहाँ पर आ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनके जो उम्मीदवार है वो जीत कर आए। और बात की जाए जामताड़ा की तो सीता सोरेन हो गई आपकी और यहाँ पर इरफान अंसारी हो गए, यहाँ पर बात किया जाए जेएलकेएम की बात कर ली जाए तो किस तरह से मुकाबला आपको जामताड़ा में देखने को मिल रहा है और जामताड़ा की जनता इस बार क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर जामताड़ा की जनता इस बार जाएगी पोलिंग बूथ पर? देखिए बिल्कुल चुनावी मिजाज जो है जामताड़ा के अंदर भी काफी गंभीर बना हुआ है क्योंकि देखिए जिस तरीके से जामताड़ा के अंदर जो मुकाबला है वो काफी कांटे का बताया जा रहा है। लगातार हम तमाम जगहों पे जामताड़ा में जा रहे हैं, लोगों से मिजाज टटोलने की भी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं आखिरकार इस बार जो हवा है वो किस तरफ बह रही है। लेकिन देखिए एक तरफ सीता सोरेन है, दूसरी तरफ इरफान अंसारी और जेकेएलएम से जो है तरुण गुप्ता खड़े हैं। ये तीन ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो गेम चेंजर जो है वो भी बताया जा रहा है। लेकिन दो बड़े चेहरे सीता सोरेन और इरफान अंसारी, क्योंकि इरफान अंसारी वर्तमान में विधायक भी रहे और मंत्री भी हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका जो पक्ष है वो काफी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन सीता सोरेन जो लोकसभा चुनाव भी वो क्या कहते हैं लड़ चुकी है, उसके बाद फिर विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए जामताड़ा से आई है, तो देखिए परिस्थितियां अगर देखी जाए तो सीता सोरेन के लिए नहीं जामताड़ा में उतनी कह सकते हैं क्योंकि इरफान अंसारी यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने पहले भी चुनाव जीता हुआ है, अब मंत्री भी रहे हैं, इस हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी उनको जो नंबर है वो सीता सोरेन से इस लड़ाई में आगे की तरफ धकेलते हैं। लेकिन सीता सोरेन को बीजेपी ने सीता सोरेन पे एक बार फिर से भरोसा जताया, उन्हें जामताड़ा से इस बार चुनाव चिन्ह देकर जो है लड़ाने की जो पूरी कोशिश है वो बीजेपी अब कर रही है और ऐसे में सीता सोरेन एक तरफ खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मनीष यहाँ पे है कि जामताड़ा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो अधिकार है उसको कौन से उम्मीदवार पूरा करेंगे, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। देखिए जामताड़ा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी जो कमियां हैं वो देखी गई है, अस्पतालों की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से रही है। शिक्षा दूसरी बात की जाए तो हमने जितने भी लोगों से बात की तो शिक्षा एक बहुत प्रमुख चीज है यहाँ पे रहेगी, जामताड़ा के अंदर शिक्षा उस स्तर पर नहीं है जो कि यहाँ पे होनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर मनीष है वो है रोजगार, बेरोजगारी का स्तर जामताड़ा के अंदर सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर आने वाले जो युवक हैं या जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बाहर के जो टाउन्स हैं, बाहर के जो महानगर है उनका सहारा लेना पड़ता है क्योंकि जामताड़ा के अंदर रोजगार की कमी है। ये जो तीन चार सुविधाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी लड़ाई रहती है। दूसरी ओर अगर हम गांवों की तरफ अगर बात करें, चाहे वो एससी का गाँव हो, एसटी का गाँव हो या और भी तमाम जो गाँव है उसके अंदर का भी अगर हम दौरा करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कई जगह पे सड़कें हैं तो कई जगह पे नालियां नहीं है, नालियां हैं तो सड़कें नहीं है, तो इस तरह की जो परिस्थितियां जामताड़ा के अंदर जो बनी हुई है इस पे कहीं ना कहीं जो है उम्मीदवारों को देखने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेता या जो भी उम्मीदवार जो प्रत्याशी है वो जितना ज्यादा लोगों से जुड़ा रहेगा, जितना जमीनी तौर पर जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उस पे कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो जमीनी हकीकत पे पड़ेगा। आप जब तक लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है आपके कैंपेनिंग पे पड़ेगा और आपके जिस दिन वोटिंग होगी उस पे इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जा सकता है। जी अच्छा बात करें गिरडी की तो देखिए बात अब घूम कर इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपने भी कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जामताड़ा की माफी गिरडी की जनता थोड़ी नाराज है, सड़क की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की, लेकिन जो एक बात नहीं हो रही है वो बात यह है कि जो कंपनीज कैसे लाई जाए कि अगर जो है विधानसभाओं में और में कंपनी लगेगी तो अगर कहीं से कंपनी आती है तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो युवा है उनको रोजगार मिल सकेगा। रोजगार के तो यही एक साधन है, वरना यहाँ पर साधन के और क्या आपको दिख रहे हैं कि हम विधानसभा में अपने क्या ऐसी चीज कर देंगे कि यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। बात यहाँ पर यही है कि आप कोई कंपनी लेकर आ रहे हैं क्या, किसी ऐसे चीजों से कंपनी के लोगों से बातचीत हो रही है क्या कि भाई यहाँ पर कंपनी लगेगी तो आप युवाओं को रोजगार मिलेगा।
पलायन नहीं होगा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन है। आप देखिए कई ऐसे घर हैं जिनके बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, माँ बाप यहाँ पर अकेले हैं, तो जो रिवर्स पलायन है इसको लेकर क्या सोच रही है यहाँ की जनता की रिवर्स पलायन हो या फिर वहाँ के जो प्रत्याशी है वो। सबसे बड़ा मुद्दा है अभ्रक उद्योग को लेकर आम लोगों के बीच ये चर्चा है कि आखिर इसे लेकर काम क्यों नहीं हुआ, पर्यटन की दृष्टि से भी इसे विकसित किया जा सकता है। और गिरिडीह देखिए, गिरिडीह की एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ प्रदूषण काफी है, जितनी आयरन और फैक्ट्रियां हैं यहाँ कच्चा लोहा आता है लगातार गाड़ियों से, सरिये का कारोबार होता है यहाँ, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तो प्रदूषण भी एक समस्या है, आम लोग हर दिन उसे झेलते हैं। और हालांकि देखिए उससे रोजगार मिला है लेकिन प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है और ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ चौड़ी सड़कों की जरूरत है, एक बाईपास रोड की भी जरूरत है, ये तमाम जरूरतें हैं, जनता इसे महसूस करती है लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई गंभीरता पूर्वक काम नहीं हुआ है। और ये तमाम मुद्दे यहाँ काफी मायने रखते हैं, ये तमाम मुद्दे यहाँ काफी अहम माने जा रहे हैं। काफी अहम माने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी या फिर बात की जाए JKLM की बात की जाए तो किस तरह से वो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, बीजेपी किस तरह से सेंधमारी कर रही है, सेंधमारी करती दिख रही है JMM के जो खेमे में, किस तरह से उनके वोटर में वहां सेंधमारी करती नजर आ रही है, JKLM है वो किस तरह से सेंधमारी करती नजर आ रहे हैं। और बात की जाए एक जागरूक पार्टी की भी जो खड़ी हुई है एक प्रत्याशी, वो किस तरह से सेंधमारी करती नजर आ रही है। लेकिन मुख्य मुकाबले में यहाँ पे हमेशा से JMM और बीजेपी रहे हैं, लेकिन इस बीच JLKM और अनीसा सिन्हा ये लोग भी एक अच्छा खासा चुनाव प्रचार में मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए आगे क्या होता है ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है कि कौन कितना मजबूत है और कौन किसे कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक तरह से चतुष्कोणीय संघर्ष के बीच में अब कौन किस खेमे को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी चारों ही प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर दीपक की, जामताड़ा की बात करें तो अभी आपने कहा यहाँ पर रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, एक सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य को लेकर भी है। कई लोगों से मेरी भी बातचीत हुई यहाँ पर जामताड़ा में, तो उनका ये कहना है रेफर सेंटर बन गया यहाँ पर, जो है एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए, अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत होती है तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है, यहाँ पर वो उचित इलाज नहीं है। तो इसको लेकर प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं और प्रत्याशियों के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल, आपने स्वास्थ्य की बात करी है तो स्वास्थ्य देखिए कोई भी विधानसभा हो उसकी एक मेन रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि रेफर एक सेंटर बन चुका है कि अगर कोई भी अगर पीड़ित आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है, ऐसी हालात जो है वो आखिरकार क्यों बन रही है? आप देखिएगा सड़कों पर लगातार जो है एम्बुलेंस की आवाज़ लगातार बनी रहती है, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि वो जो सुविधाएं यहाँ के बीमार लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इससे पहले की जो सरकारों ने जो वादा किया उस पर वो कितना खरा उतरे ये भी सोचना चाहिए। वोटर्स इन्हीं तमाम चीजों को अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं। अपने अपने मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी ने अपने अपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, JMM ने अपने मैनिफेस्टो में अपने तमाम चीजों का जिक्र किया, दूसरा JKLM जो कि जयराम महतो की पार्टी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय नेशनल स्टेट लेवल की बातें इसके अंदर हुई है, लेकिन जब आप विधानसभा की आप बात करते हैं तो विधानसभा के अंदर चाहे वो सिटी एरिया की बात करें या विलेजेस की बात करें तो वहां की वो सुविधाओं पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए जब तक आप उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक आप उनके दिल पर राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेता के पास अगर कोई भी वहाँ के जनसमर्थी अगर लोग जाते हैं तो वो इसीलिए जाते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, और जब तक आप अपनी उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे? वोट करना किसे है ये तो वहाँ के वोटर्स तय करेंगे, और यही काम जामताड़ा के अंदर है। देखिए कांटे की तक्कड़ है इस बार, क्योंकि सीता सोरेन जो एक तरफ है दूसरी तरफ इरफान अंसारी, क्योंकि इरफान अंसारी मौजूदा यहाँ के विधायक भी है तो उनका पड़ा कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। लेकिन देखिए बीजेपी के सपोर्ट में तमाम वो बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो उतर चुके हैं तो एक उसका भी फैक्टर अपने आप को दिखता है। लेकिन जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य की बात करी, सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, देखिए स्वास्थ्य ही नहीं यहाँ की समस्या है, इसके साथ साथ तमाम और भी बहुत बड़ी समस्या है जो कि यहाँ के वोटर को मजबूत करते हैं। और इस बार कई लोगों से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बदलाव, अच्छा वो साफ तौर पर नहीं कह रहे कि हम किसके साथ हैं, लेकिन सब उनके सीधे तौर पर उनका इशारा जो है कि वो बदलाव की तरफ है। अब ये बदलाव आखिरकार
क्या होने वाला है ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन जब 20 तारीख को जो वोटिंग होगी तब उस किस्मत की पिटारे में इन तमाम तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी है उनको कैद होना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं लगातार आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो बचे हुए दिनों में जब तक अपने लोगों से जमीनी तौर पर नहीं जुड़ पाएंगे तब तक उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी अच्छा, हम बात करें उदय, यहाँ पर देखिए रविंद्र राय जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष भी है बीजेपी के, उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है इस बार, वो भी पूरा एकदम कम झोंक रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी तरह यहाँ पर बीजेपी जो है किसी भी तरह लीड ले और यहाँ पर लीड लेकर यहाँ पर आए बीजेपी। जिस तरह से पहुंचे उन्होंने गिरिडीह के आम बगान मैदान में सभा को संबोधित किया और उसके तुरंत बाद वो गांडे के लिए भी चले गए, जबकि देखिए यहाँ 15 से 20 किलोमीटर का फासला था, दोनों प्रत्याशियों के लिए एक सभा की जा सकती थी, लेकिन चूंकि गांडे में कल्पना सोरेन मुकाबले में है और इस वजह से वो सीधे सीधे वहां भी पहुंचे और वहां उन्होंने एक अलग से सभा को संबोधित किया गांडे में और वहां भी अपनी बात रखी। और देखिए यहां उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो, इन तीनों मुद्दों पर जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट दिखी है। हमने लगातार लोगों से बातचीत की थी उनकी सभा के तुरंत बाद, तो ये तीनों मुद्दे असरदार दिखाई दे रहे थे और देखिए हो सकता है चुनाव में इसका असर भी दिखाई दे। मतलब कि जो घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है और जो एक 5 लाख नौकरी का मुद्दा है और एक चीज और ये बेरोजगारी भत्ते की बात है, ये बीजेपी अब कहीं कहती दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों है उदय? क्या मतलब ये मुद्दे जो है ये मुद्दे पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं, जो बेरोजगारी भत्ते की बात है, नौकरियों की बात है, ये सब मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं और अब जो है चीजें थोड़ी अलग सी दिख रही है? जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं बीजेपी क्या उन पर फोकस कर रही है या फिर विपक्षी पार्टी उन पर फोकस कर रही है? सुदीप सोनू ऐसे भी सरकार के खास रहे हैं, उनकी सरकार में एक अहम पोजीशन भी रही है। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो कल्पना सोरेन को लगातार अपने साथ वो लेकर घूम रहे थे, रैलियों को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी भूमिका पार्टी में काफी अहम मानी जाती रही है। कद्दावर चेहरा रहे हैं जेएमएम के और उनकी भी साख, जेएमएम की साख भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है, तो काफी दिलचस्प मुकाबला गिरिडीह में देखने को मिल रहा है। काफी दिलचस्प मुकाबला गिरिडीह में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात कर ले हम दीपक, देखिए जामताड़ा की बात करें तो इरफान अंसारी जो है जीते हैं और सिटिंग विधायक है, मंत्री भी है, ऐसे में जो एक वर्चस्व है यहाँ पर बात करें इरफान अंसारी का वो भी है, उनके भी अपने वोट बैंक है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें आपने देखा होगा कि आदिवासी जो समाज है इसको काफी साधने की कोशिश की जाती है कि आदिवासी समाज किस ओर जा रहा है, आदिवासी समाज को कैसे साधा जाए, कैसे अपनी ओर किया जाए, उसके लिए जेएमएम भी पूरी तैयारी करता है, कांग्रेस भी पूरी तैयारी करती है, बीजेपी भी पूरी तैयारी करती है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार जो आदिवासी वोटर्स है क्या वो इस बार आपको बढ़ते हुए थोड़े नजर आएंगे और इस बार जो है थोड़ा मतलब चुनाव थोड़ा कुछ अलग देखने को मिल सकता है इस बार विधानसभा चुनाव जामताड़ा में? देखिए बिल्कुल चीजें बिल्कुल अलग अलग दिखने को मिल भी रही है और जब समय नजदीक आएगा तो उसके बाद क्या पता गेम जो है दूसरे पाले में कहीं ना कहीं चले जाए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सीता सोरेन की बात करें तो आपको पता है विरासत की लड़ाई वो लड़ रही हैं और ये कहना बड़ा गलत भी नहीं होगा क्योंकि शिबू सोरेन की बहू है, दूसरी तरफ वो जिस तरीके से विरोध करके भाजपा के अंदर आई है तो एक आपस की लड़ाई आप समझ सकते हैं राजनीति सियासत तक आप पहुंची है, तो ये तो सबसे बड़ी लड़ाई आप कह सकते हैं। अगर यहाँ सीता सोरेन अगर हारती है तो कहीं ना कहीं वो जो पद पाने की प्रतिष्ठा पाने की जो बात कही जा रही थी उसमें सबसे बड़ा अंकुश लग सकता है, तो इस सीता सोरेन के लिए तो ये नाक का सवाल हो चुका है। दूसरी ओर इरफान अंसारी की जब हम बात करते हैं तो इरफान अंसारी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जामताड़ा को जानते हैं, दूसरी ओर क्योंकि वो वर्तमान के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है कि नहीं भाई हमें तो जीतना भी जरूरी है, तो एक तरफ विरासत की बात आप कर सकते हैं, दूसरी आप वर्चस्व की लड़ाई कर सकते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो है एक कांटे की टक्कर बना दिया जाता है। इसीलिए लगातार जो तमाम जामताड़ा की जब हम चित्रों की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मनी सही है कि जब चुनाव होगा उसके बाद रिजल्ट का जब दिन आएगा तब ये फैसला होगा कि आखिरकार ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, सीता सोरेन की तरफ या इरफान अंसारी की तरफ, लेकिन जेकेएलएम जो है खेल जरूर बिगाड़ेंगे यहाँ से। जी तो यहाँ पर किस ऊंट करवट बदलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद उदय और
दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो हम बात कर रहे हैं जामताड़ा गिरिडीह इन जो विधानसभा क्षेत्र इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, सेकंड फेज में लास्ट फेज होगा। अब यहाँ पर लेकिन कड़ी टक्कर है और नेक टू नेक टक्कर है, ये कह पाना सबके लिए मुश्किल है। आपने देखा हमारे संवाददाता भी नहीं बता पा रहे कि पलड़ा किस ओर भारी है, क्योंकि इस बार सभी का पलड़ा भारी है और सभी जो है जिस तरह से अपनी तैयारी करके विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, ये देखकर एक सुखद अनुभव भी होता है और अच्छा भी लगता है कि प्रत्याशियों की अपनी तैयारी है और इस बार जनता भी पूर्ण रूप से तैयार है और जनता भी इस बार जो है वोट के जरिए ये बताने की कोशिश करेगी कि उसे किसकी सरकार चाहिए और उनके क्षेत्र में कैसा विधायक होना चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास पेज का समय इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ वाइज को। नमस्कार।